बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में यूनिट नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जो सबसे पहले है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है हमारे पास? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स एंड ह्यूमन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, देन कंक्लूड दैट द ह्यूमन शुड हैव सेल। मीन्स हम डिटेक्टिव रीजनिंग में जो है तो ऑब्जर्वेशन करते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ में। मीन हम जनरल चीज़ को लेते हैं और उसके बेस पे हम स्पेसिफिक चीज़ को ऑब्जर्व को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ एक जनरल लिया है ऑर्गेनिजम्स को, मतलब तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास क्या है? सेल्स है। तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं, तो ह्यूमन क्या है हमारे पास? एक ऑर्गेनिजम्स, तो ह्यूमन के अंदर भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। मीन्स कि ह्यूमन्स भी जो है तो उनके वो भी सेल्स से बने होंगे। ठीक है, तो हम डिटेक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, एक जनरल बात को लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक चीज के ऊपर। ठीक है, और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं उसके बेस पे। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फॉर एग्जांपल, वी ऑब्जर्व इन सेल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल इन देयर बॉडी। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं? हम एक स्पेसिफिक चीज को लेते हैं और उसके बेस पे हम जनरल चीज को क्या करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल हम जाते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज को लेकर, एक स्पेसिफिक चीज को लेकर जनरल को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में स्पेसिफिक क्या लिया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सेल ऑब्जर्व किए गए। सो तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अंदर क्या होंगे? सेल होंगे। तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, एक स्पेसिफिक लिया है और उसके बेस पे एक जनरल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हों उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ द बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द मैस्ट्रीज ऑफ द एड्रेसिंग द मलेरियल प्रॉब्लम। कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कैसे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए जो मलेरिया का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। तो मलेरिया एक्चुअली हमारे पास क्या है, कॉमन डिजीज़ है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है हमारे पास। मलेरिया जो है तो ये एक लेटिन वर्ड्स, टू लेटिन वर्ड्स से लिया गया है, माला और एरा। माला का मतलब हमारे पास क्या है, बेड, जबकि एरा मीन्स क्या था, एयर। अब हमारे पास ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वन जो था हमने डिस्कस किया था बुक में, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्या की गई थी, रिकॉग्निशन क्या दिया गया था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया किस वजह से हमारे पास कॉज होता है। तो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या किया था, मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस रिक्यूरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर। मतलब जो भी मलेरिया पेशेंट होते थे उनको क्या होते थे, उन्हें बार बार मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी और फीवर उनको होते थे। द डिजीज़ वॉज मोर कॉमन अमंग द पीपल हु लिव्ड इन द लो मार्शी एरियाज। और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन थी जो मार्शी एरियाज में रहते थे। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट कॉज ऑफ मलेरिया। और फिर जब चेक किया गया तो जो मार्शी एरियाज का जो वाटर था उसके पीने से इन्हें पता चला कि मलेरिया कॉज नहीं होता। वो जो वॉलंटियर्स थे उनको पिलाया गया था वो वाटर, मार्शी जो एरिया का जो वाटर था, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। तो ये ऑब्जर्वेशन थी कुछ, ये तीन बेसिक। अब क्या हुआ था हमारे पास, 1878 में फ्रेंच फिजिशियन लेवरन ने एग्जामिन किया था मलेरिया पेशेंट का ब्लड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें जो है तो ये पता चला कि उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या नाम दिया गया था, प्लास्मोडियम का नाम दिया गया था। ठीक है, अब आगे जो है तो हाइपोथेसिस और डिटेक्शन क्या थी। हाइपोथेसिस में ये बताया कि बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अप द एंशियंट ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ द लेवरन। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वॉज प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस क्या दी गई थी इसके ऊपर कि हमारे पास अब जैसे पिछले जो ऑब्जर्वेशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए और लेवरिन के जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसकी उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी, तो उनसे बेस पे ये हाइपोथेसिस बनी कि प्लास्मोडियम जो है वो हमारे पास मलेरिया कॉज करने की बड़ी वजह है। ठीक है, प्लास्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब डिटेक्शन क्या दिया था, बायोलॉजिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्टेड इट may be true and make detection. One of the detection from the above hypothesis was, if plasmodium is the cause of malaria, then all the malaria patient should have plasmodium in their blood. हम पढ़ चुके हैं कि biological method में हम detection में if और then दो logics हम use करते हैं। Actually detection में क्या होता है, biologist को पता नहीं होता कि हमारी hypothesis जो है वो true है या नहीं है, इसलिए वो आज तौर पर उसको accept कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये लोग detection देते हैं। जो जिस तरह था कि plasmodium is the cause of malaria, तो detection क्या बना था कि
इफ द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है तो मलेरिया कॉज करने की वजह है, तो फिर जितने भी मलेरिया पेशेंट हैं उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट में क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट जब किया गया, द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू टेस्ट द डिटेक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट विच वर डिज़ाइन एज अ ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट वॉज एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब 100 जो मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के जरिए चेक किया। फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वॉज ऑल्सो एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमने जिससे पढ़ा था कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो 100 जो है तो मलेरिया पेशेंट को के ब्लड को लिया गया जिनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जरिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है तो स्टडी किया गया, और 100 जो है तो हेल्दी पर्सन जो थी उनका ब्लड लिया गया जिनको जो है तो कंट्रोल ग्रुप में रखा गया ताकि उनके भी हम ब्लड चेक करें कि अदर उनमें प्लाज्मोडियम है कि नहीं। रिजल्ट क्या आया था? इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वेयर इज़ द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन वाज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। रिजल्ट में क्या पता चला कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो मलेरिया पेशेंट थे उनके तमाम के तमाम के ब्लड में क्या प्लाज्मोडियम पाया गया, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स का ब्लड था उनमें कोई प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो कंक्लूजन क्या आई? द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो हमारे पास नतीजा क्या निकला? यही निकला कि वो जो हाइपोथेसिस दी गई थी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, वो क्या हुआ, वो हमारे पास ट्रू साबित हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट हाउ मैथमेटिक्स कैन बी यूज टू इंटरप्रीट द डेटा ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, के मतलब हम मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसे कौन से दो डेटा ऐसे दो कौन से मैथमेटिक्स रूल्स हम यूज़ करते हैं जिसके जरिए हम डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास रेशो एंड एक प्रोपोर्शन। रेशो क्या है? व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कोशेंट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी, सच अ रिलेशन इज अ रेशो इज द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। अ रेशो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिविजन और कॉलोन मार्क बिटवीन द टू नंबर। एग्जाम्पल द रेशो बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1:3। हम रेशो में एक्चुअली क्या करते हैं, हम दो नंबर्स का रिलेशनशिप आपस में मालूम करते हैं। ठीक है, जबकि प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है, मतलब रेशो के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में ज़रा मुश्किल से एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए हम उसको अगर रेशो के फॉर्म में लिखे तो ईजी हो जाता है। जैसे 50 मलेरिया पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन, तो इनको हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं 1:3। जब हम 50 को डिवाइड कर देते हैं 150 के ऊपर तो हमारे पास आंसर 1:3 आता है। अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन द इक्वल रेशियो बाय द साइन ऑफ द इक्वालिटी। प्रोपोर्शन में हम दो रेशोस को लेते हैं और उनको इक्वालिटी के बेस पे हम जो है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, इफ अ प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशियोज दिस प्रोपोर्शन मे आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इन एवरी प्रोपोर्शन ऑफ द टू रेशोज हैव फोर टर्म्स, मतलब हर एक प्रोपोर्शन के हमारे पास फोर टर्म्स होते हैं। द फर्स्ट एंड द फोर टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम, जो फर्स्ट और फोर्थ हैं, जैसे हमारे पास ए और डी जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सट्रीम। जबकि जो मिड वाले होते हैं सेकेंड और थर्ड, बी रेशो सी, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं। वैन थ्री वैल्यूज़, और हमारे पास प्रोपोर्शन में क्या होता है, चार वैल्यूज़ होती हैं, चार में से हमारे पास तीन जो है हमें पता होता है, इसलिए हम फोर्थ वाला जो है तो उसमें फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल जिस हमारे पास है कि इफ़ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू नो हाउ मेनी स्पैरोज वुड बी इन्फेक्टेड विद द मलेरिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या किया गया था, जो क्यूलिक्स मस्कीटो चीज़ें उनको बाइट छोड़ा था कि वो बाइट करे 50 स्पैरोस को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने जो क्यूलिक्स मॉस्कीटो जो था उन्हें जो है तो चेक किया गया, तो उनमें पाया गया कि 10 स्पैरोस में से जो 6 थे उनको मलेरिया हो गया था। तो अब उसको प्रोपोर्शन के जरिए कैसे फाइंड किया गया कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ अरेंज हो गई थी, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया फिर डिवाइड किया गया तो आंसर क्या आया था हमारे पास, आंसर हमारे पास आया था एक्स इज इक्वल टू 30। मीन्स इट मीन्स दे 30 आउट ऑफ 50 स्पैरोज, मतलब 50 स्पैरोज में जो है तो 30 स्पैरोज ऐसे जिनको मलेरिया हो गया था, ठीक है। तो इस तरह हम रिजल्ट फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोपोर्शन में दो रेशोज़ को हम लेते हैं इक्वलिटी के बेस में, एक पुरानी ऑब्जर्वेशन को लेते हुए जिस तरह पिछली बार हमें जो कराया गया था एक्सपेरिमेंट वो 10 स्पैरोज पे किया था,
10 स्पैरोज में 6 को हो गया था मलेरिया, इस दफ़ा 50 स्पैरोज को चेक किया गया। तो अगर 10 में हमारे पास 6 को हुआ है तो 50 में कितने को होंगे, तब उसकी हमने पूरी एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने इसका किया, पूरा का पूरा हमने इस डेटा को जब मालूम किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 30 आया कि 30 जो जो हमारे पास स्पैरोज थे 50 में, आउट ऑफ 30 जो थे इनको मलेरिया हो गया था। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सारा काम आप लोगों ने अपने नीट कॉपीज़ में करना है और अपने टीचर्स को वक्त पे चेक करवाना है। थैंक यू।